तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आयुष वर्धन त्रिपाठी और स्वागत है आपका एक ट्रेंड न्यू वीडियो में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप गेम बनाने का शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आपने तो बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि ये गेम्स बनता कैसे, या फिर आपका रीज़न कुछ ऐसा होगा कि आप दूसरा गेम खेल खेल के बहुत बोर हो गए होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि आप क्यों ना खुद का ही एक गेम बना ले जहाँ क्या खुद ही मास्टर होंगे। तो अगर आप यही चाहते हैं, डू यू आर इन द राइट प्लेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक गेम बनाने का शुरुआत आप कैसे करें, कहां से करें शुरुआत। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई इनडेप्थ ट्यूटोरियल तो नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करें, कौन सा टूल्स यूज़ करें, कहां से रिसोर्स लाएं आदि। सो लेट्स बिगिन। तो आपको एक गेम बनाना है राइट, लेकिन दिमाग में सिर्फ इतना होने से नहीं होगा। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि वो गेम 2D होगा या फिर 3D होगा, क्योंकि दोनों गेम का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अलग होता है। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि 2D होगा या 3D होगा, उसके ऊपर आपको अपना गेम इंजन चूज करना होगा। गेम इंजन बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक सिंप्लीफाइड लेयर की तरह काम करता है। इसका काम ये होता है कि ये जो गेम बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे सिंप्लीफाई करता है। इन सिंपल वर्ड्स, गेम इंजन से आप गेम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, काम फिर भी रहेगा। नेक्स्ट करके गेम नहीं बना सकते, अगर आप वो चाहते हैं तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट करके कोई भी गेम अच्छा गेम नहीं बन सकता पहली बार। और हाँ, और एक चीज़ बता दूँ कि गेम बनाने के लिए आपको एक PC चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी डेस्कटॉप। एंड्रॉयड में भी कुछ लोग बनाते हैं, मैं देखा हूँ, लेकिन वो गेम उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होता, लिमिटेड फंक्शनलिटीज़ होता है और ग्राफिक्स उतना अच्छा कुछ नहीं होता, अपना खुद का आइडियाज़ नहीं लगा सकते उस गेम में। तो अगर आप एक अच्छा गेम, ओरिजिनल गेम बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक PC होना चाहिए। तो अभी गेम इंजन पर वापस आते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपको गेम इंजन बनाना चाहिए या फिर गेम इंजन डाउनलोड करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, गेम इंजन कैसे लाएं, कहां से लाएं। तो अगर आप एक नए क्रिएटर, मतलब आप अगर पहला गेम बना रहे हैं, तो आपको कभी भी एक गेम इंजन नहीं बनाना चाहिए। गेम इंजन बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत डिफिकल्ट है और पैसा भी लगता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। उसके अलावा आप गेम इंजन को डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ फ्री में आते हैं और कुछ को आपको पैसा देना पड़ता है। जो फ्री में आते हैं वो ऐसा नहीं कि वो उन लोग का फीचर्स नहीं होता, उनका उसमें भी बहुत सारे फीचर्स होता है, अच्छा फीचर्स होता है, कभी कभी वो पेड गेम इंजन से भी ज़्यादा फीचर्स होता है। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा गेम इंजन चूज़ करना चाहिए डिपेंडिंग अपन योर टाइप ऑफ गेम। तो अभी सवाल आता है कि आपको कौन सा गेम इंजन यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक सिंपल 2D गेम बनाना चाहते हैं, तो आपको GDevelop, GameMaker स्टूडियोज एक्सेट्रा गेम्स यूज़ करना चाहिए, फिर कंस्ट्रक्ट टू भी एक है। तो ये तीनों गेम इंजन आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये तीनों बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि GameSalad और एक है, और भी बहुत सारे हैं, आगे मैं बताऊँगा और भी कुछ गेम इंजन। अगर आप एक 3D गेम बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट इंजन है यूनिटी गेम इंजन और गोडट गेम इंजन। ये दोनों ही इंजन 2D और 3D दोनों को सपोर्ट करता है, और इन दोनों का स्पेशल एबिलिटीज ये है कि आप बहुत सारे एडॉन्स ऐड कर सकते हैं इस गेम में। यूनिटी में यहाँ पे आप कुछ ऐसे एडॉन्स ऐड कर सकते हैं जिसकी मदद से आपको बिना किसी कोड लिख के गेम आप बना सकते हैं। गोडट का भी बहुत सारा अच्छा फीचर्स है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। इसके अलावा अनरियल इंजन को दुनिया का बेस्ट गेम इंजन, ऑलमोस्ट दुनिया का बेस्ट गेम इंजन बोला जाता है 3D गेम्स के लिए, लेकिन ये सब 2D नहीं है इसमें। लेकिन एक बार याद रखें कि अनरियल गेम इंजन जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आप नए शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए गेम इंजन अच्छा नहीं है। अनरियल गेम इंजन से ज़्यादातर AAA गेम्स बनाए जाते हैं, जैसे कि फोर्टनाइट, पबजी, गियर्स ऑफ वॉर, अनरियल टूर्नामेंट एक्सेट्रा। तो एक बार जब आपने चूज़ कर लिया कि आपको कौन सा गेम इंजन यूज़ करना है, तो आप उसके बाद आपको गेम का मैकेनिक्स और गेम के एलिमेंट्स बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट वर्ड्स, आपको वो सब बनाना पड़ेगा जो कि गेम में लोग खेलेंगे, जो कि स्क्रीन पे जो मूवमेंट करने पे, जो इंस्ट्रक्शंस देने पे स्क्रीन पे जो होगा, यानी कि गेम प्ले, आपको उस पर काम करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि गेम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें।
आप अपने पहले गेम को कोई RTS बैटल रॉयल गेम ऐसा कुछ बनाने का कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप ये गेम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। एम्बिशियस नहीं होना चाहिए गेम, जरा अपना आपका पहला गेम है तो उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, सिंपल सा गेम रखें। एक गेमिंग कैटेगरी है जिसे रेट्रो गेम्स बोलते हैं और लो पॉली गेम्स भी एक है, तो ये दोनों कैटेगरी में ऐसा होता है कि गेम जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स नहीं होता गेम में, फिर भी ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दूँ तो माइनक्राफ्ट एक है, आपको पता होगा, मुझे बताने का जरूरत नहीं माइनक्राफ्ट कितना पॉपुलर है, बहुत सिंपल ग्राफिक्स से, सिंपल गेम प्ले एलिमेंट्स है, लेकिन फिर भी कितना पॉपुलर है। और ध्यान रखें कि आप जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने पहले गेम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप अपना पहला गेम कोई पबजी या फिर फोर्टनाइट या फिर GTA 5 जैसा बनाएं, तो आप कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा गेम बनाने पे, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप बहुत सारे छोटा छोटा गेम्स बनाएंगे जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप बड़े से बड़ा गेम बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो गेम होगा वो खेलने लायक होना चाहिए, अगर वो खेल नहीं सकते, ब्रोकन है, तो कोई उसे डाउनलोड नहीं करेगा, किसी को कुछ मज़ा नहीं आएगा। धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो गेम बहुत अच्छा हो जाएगा, और भी अच्छा अच्छा गेम आप बना सकते हैं, और शायद हो जाए कि आपका कोई गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि आपका पहला गेम मल्टीप्लेयर गेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लेयर गेम्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। आपका पहला गेम सिंगल प्लेयर गेम होना चाहिए, गेम का स्टोरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रखें, सिंपल स्टोरी रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे तो आपको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल होगा गेम को, और ऐसे करके आपको सिंपल सा स्टोरी एक बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है ग्राफिक्स और साउंड्स। ग्राफिक्स इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गेम 2D है या फिर 3D है। 2D गेम का अगर आपको ग्राफिक्स बनाना है तो आपको फोटोशॉप या फिर GIMP जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। GIMP मतलब जेन्यू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, इसके जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप पिक्सल आर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पिक्सल बोल के एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक 3D गेम बना रहे हैं तो उसका जो ग्राफिक्स हो उसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स देखने के बाद आप भी अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन 2D ग्राफिक्स बनाना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि आपको पेंट यूज़ करने का आदत होगा ही, MS Paint, तो उसके जैसा ही होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। 3D ग्राफिक्स के लिए अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि ऑटोडेक्स, 3DS मैक्स, ऑटोडेक्स माया, ब्लेंडर एटसेट्रा। लेकिन आपको कंप्यूटर में ग्राफिक्स बनाना नहीं आता, लेकिन रियल लाइफ में आप बहुत अच्छा ड्राइंग्स कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ड्राइंग्स बना के उसे स्कैनिंग करके गेम में डाल सकते हैं एज ए स्प्राइट्स। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको अपना गेम का ग्राफिक्स बनाना पड़े, बिना ग्राफिक्स बनाए भी आप गेम बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि ग्राफिक्स को इंटरनेट से ला सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर खरीद सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जैसे कि opengameart.org एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे एसेट्स मिलते हैं गेम के लिए फ्री में, ज़्यादातर फ्री हैं, कुछ पेड हैं लेकिन बहुत सस्ते हैं उस वेबसाइट opengameart.org। लेकिन आपको जब एसेट्स डाउनलोड करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि उसका लाइसेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ध्यान रखना है कि वो कौन से लाइसेंस में, अगर कुछ गड़बड़ लाइसेंस में हो गया तो आपका गेम पे प्रॉब्लम हो जाएगा, गेम का कंप्लेंट हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रॉब्लम हो सकता है। साउंड का जब आता है तो इसे हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला है साउंड इफेक्ट्स, जिसे आप VFXR जैसे सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं साउंड इफेक्ट्स। उसमें बहुत सारे टूल्स, उस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप अलग अलग इफेक्ट्स बना सकते हैं। इफेक्ट्स का एग्जांपल से गनशॉट का साउंड, गोली मारने का साउंड जब गोली मारेगा, रिलोड करते टाइम जो साउंड आता है, पावर अप का साउंड, डैमेज पड़ने गोली लगने पर जो साउंड आता है, जंप करने का साउंड एक्सेट्रा। दूसरा है साउंड ट्रैक्स, इसे आप बना सकते हैं बोस्का सियोल जैसे सॉफ्टवेयर से, और भी बहुत सारे हैं लेकिन बोस्का सियोल एक फ्री सॉफ्टवेयर है इसलिए मैंने मेंशन किया। साउंड ट्रैक्स बेसिकली गेम का म्यूजिक होता है जो कि बैकग्राउंड में चल रहा होगा, और अलग अलग सिचुएशंस के अनुसार आप ये बैकग्राउंड का म्यूजिक चेंज भी होता है, जैसे कि हॉरर गेम्स में थोड़ा इंटेंस म्यूजिक होता है, मूड बनाता है गेम में, फीलिंग लाता है गेम का,
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको आपको ये स्किप नहीं करना चाहिए, भले ही ज़्यादा अच्छा ना हो लेकिन थोड़ा ना थोड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना पहला गेम बना रहे हैं तो इससे इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको गेम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर भी इसे बिल्कुल इसके स्किप कर देंगे ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा करना अच्छा नहीं होता। तीसरा एलिमेंट, तीसरा पार्ट जो है वो है वॉइस या फिर डायलॉग्स जो आप बोल सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये आप अगर आप पहला गेम बना रहे हैं तो नहीं बनाने से भी चलेगा, आप फ्लोटिंग टेक्स्ट बना सकते हैं। इसके इसे बनाने का कोई सॉफ्टवेयर ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट में जाने से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट से स्पीच कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसमें क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता। अगर आप डायलॉग गेम ऐड करना चाहते हैं तो ये कॉस्टली भी होता है, आपको हायर करना पड़ेगा वॉइस आर्टिस्ट को या फिर ऑनलाइन से भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एक्चुअली वैसे बता दूं कि ऑनलाइन में ये जाना नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, और जो भी मिलता है वो आपके मन मुताबिक नहीं होगा और थोड़ा अलग होगा, आपको शायद सेंस नहीं बनेगा उसका अगर आप गेम में डालेंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि गेम बनाने का शुरुआत कैसे करें, मैंने आपको जो जो भी टूल्स और सॉफ्टवेयर्स बताए हैं ये सब बेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं मेरे मुताबिक, मैंने सभी को यूज़ किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगे ये सॉफ्टवेयर जी। इनमें से ज़्यादातर फ्री सॉफ्टवेयर्स मैंने बताया है, कुछ सॉफ्टवेयर पेड भी है, आप जाके इसे ऑनलाइन से खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं सीखने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर पेड हैं और कुछ फ्री हैं, तो मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और इसके अलावा मैं कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स भी लिख दूंगा जिससे आपको कुछ ज़्यादा वेराइटीज़ मिले सॉफ्टवेयर्स में। और आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि एक बार आपका गेम कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करना है गेम के साथ, क्योंकि आप CD में तो बेच नहीं सकते, ये CD में बेचना बहुत कॉस्टली होता है, सब बड़े कंपनीज ही कर सकते हैं, तो आप अपने गेम को पब्लिश कैसे करें या फिर इंटरनेट पे अपलोड कैसे करें। तो इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल itch.io, GameJolt, इंडी डाटाबेस, स्टीम, हम्बल बंडल एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने गेम अपलोड कर सकते हैं। कहीं पे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आपको पैसा देना पड़ता है अपलोड करने के लिए, कुछ प्लेटफॉर्म फ्री है, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या यह इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, अगर फ़ायदा हुआ तो कमेंट जरूर करना, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। सो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।